हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ IBM के सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्सेज आप लोग बिल्कुल फ्री में कैसे कर सकते हैं, जिसके साथ आपको IBM का बैज भी मिलेगा, IBM का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं होने वाली। साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बैज नहीं मिलेगा, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, इवन मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट भी लेके दिखाऊंगा कैसे आपको सर्टिफिकेट लेना है और कैसे आपको डिजिटल बैज लेना है जो कि IBM की तरफ से दिया जाता है जो भी बच्चे उनका कोई भी ऑनलाइन कोर्स करते हैं। तो मौका बहुत अच्छा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। इस वीडियो का लाइक का टारगेट 2000 लाइक का रखते हैं ताकि आप लोगों को इस टाइप की और भी अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं IBM के इन कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले ये जो IBM के कोर्सेज हैं वो IBM के एक प्लेटफॉर्म है ओपन PTech, वहां पर ये कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं IBM लॉन्चेस ओपन PTech जो कि लास्ट ईयर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था IBM की तरफ से, बट यहाँ पे कुछ ट्रिकी वेबसाइट है ये आप लोगों के लिए जो कि थोड़ा समझने की जरूरत है। डायरेक्ट आप लोग जाओगे तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कैसे आपको कोर्स करना है, कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे को पता कैसे चला, तो ये ओपन PTech का ये ट्विटर अकाउंट है जहां पर इन्होंने इस चीज की नोटिफिकेशन डाली थी 26 मई को। यहाँ पे इन्होंने बताया था हेल्प स्टूडेंट स्टैंड आउट विद अ कोर्स सर्टिफिकेट, यानी कि ये कोर्स का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं ओपन PTech वाले जो कि IBM के साथ कोलैबोरेट कर रखा है इन्होंने। तो यहां पे अब आप लोगों को देखना होगा कैसे कौन से कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उसके लिए आप लोगों को इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा जो IBM ओपन PTech के नाम से ये वेबसाइट है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ एक और अच्छी अपडेट भी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, अगर आप लोग कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर न्यू कैट एग्जाम प्रिपरेशन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जहां पर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड में आप लोग ट्रिकी मैन डालिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी का। चाहे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें वहां पे ट्रिकी मैन कूपन कोड का यूज करिएगा। अगर आप लोग चाहते हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैट सब्सक्रिप्शन फ्री में लेना तो आप लोग अनअकैडमी का फ्री वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है स्कॉलरशिप टेस्ट में तो आपको अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन होता है कैट एग्जाम का वो फ्री में मिल सकता है। एक अच्छे फीचर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अनअकैडमी ऐप का एक अच्छा फीचर है आस्क अ डाउट फीचर, जिसकी हेल्प से आप लोग अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं अनअकैडमी के एजुकेटर से। तो ऐप डाउनलोड करें आप लोग अनअकैडमी की, वहां पे आस्क अ डाउट फीचर में चेक करें इस फीचर को और अपना आंसर ले लें एक इमेज अपलोड करके जस्ट। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बात करते हैं IBM के इन सर्टिफाइड कोर्सेज के बारे में, कैसे आप लोग इनरोल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको एक नया अकाउंट बनाने की जरूरत है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा अभी कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। कोई भी स्किप मत करिएगा पार्ट, वरना आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ थोड़ी सी ट्रिकी वेबसाइट है, समझने की जरूरत है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग रजिस्टर बटन दिया गया है, रजिस्टर पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले लॉगिन विद गूगल कर लेना है, आपको आपके जीमेल अकाउंट से यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप लोग कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हो वैसे तो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी है, फर्स्ट नेम जो कि आपको अपने सर्टिफिकेट पे चाहिए IBM के, आपका लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी दोबारा से एंटर करिएगा, आपके कंट्री, आपके कौन से स्कूल में आप कहाँ पे रहते हैं, स्टेट आपकी, आप लोग 18 ईयर से ज़्यादा हैं या कम हैं, यस आर यू आर स्टूडेंट, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं टीचर हैं, क्योंकि ये कोर्सेज कोई भी कर सकता है, सभी के लिए बनाए गए हैं। कौन से स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग अपने कॉलेज का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे कौन सी ग्रेड है, तो ग्रेड में आप लोग कोई भी क्लास में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो वो फिल कर सकते हैं। कहाँ से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चला इसमें देना है, आई एग्री टू टर्म्स ऑफ यूज, आई एग्री टू डाटा प्राइवेसी पॉलिसी, यस ओपन PTech कैन सेंड मी पीरियोडिक ईमेल्स विद लर्निंग रिमाइंडर्स, ये सब आपको क्लिक करना है। रजिस्टर पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों के सामने पूछा जाता है आप कौन सी स्किल इस प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स बतानी होती हैं सबसे पहले, जो भी स्किल्स आप लोग इस प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हो वो स्किल्स के लिए आप लोग अप्लाई करिएगा। फॉर एग्जांपल टेक्निकल के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल हम साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं। वर्कप्लेस में आप कुछ भी दे सकते हैं, आप लोग क्यों एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने होरिजन्स बैजेस के लिए कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद आप लोगों का आ जाता है वेलकम टू यू डिजिटल लर्निंग। आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लर्न द बेसिक आ चुका है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों को, इस कोर्स के बारे में दिया गया है, बिगिन ट्यूटोरियल्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपका अकाउंट दिखाई देता है, मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब आप लोग को यहाँ पे 0 आवर्स कंप्लीटेड दिस ईयर दिखाई दे रहा है। अब आप लोग नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कोर्स में आप लोग इनरोल करके दिखा देता हूँ कैसे आपको इनरोल करना है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स ये सर्च करना है यहाँ पे। बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को, तो यहाँ पे ये सर्च करोगे आप लोग तो उसके बाद यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स ये सब लिखा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स कोर्स एंड बैच ये वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि इसी कोर्स में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है और डिजिटल बैच जो कि IBM का है वो भी दिया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को इस कोर्स में मिल रही हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी का एक कोर्स है। इसी तरीके से और भी कोर्सेज हैं इनकी वेबसाइट पर, अगर आप लोग कोई और कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए आप लोगों के लिए बना दूंगा कैसे आपको इनरोल करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस कोर्स में आपको इनरोल कैसे करना है, तो इनरोल आपको जैसे यहाँ पे गो टू दिस एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग गो टू दिस एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं कोर्स का कंटेंट आप लोग के सामने ओपन हो जाता है। जो भी बच्चे साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखना चाहते हैं वो सभी लोग यहाँ पे ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, घर बैठ के अपने मोबाइल फोन से भी आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं IBM का। अब यहाँ पे अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे 6 मॉड्यूल्स दिए गए हैं आप लोगों को, यहाँ पे एक एक करके आपको मॉड्यूल्स कंप्लीट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, इस ओवरव्यू साइबर सिक्योरिटी हम लोगों ने ये मॉड्यूल ओपन कर लिया। यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर ही आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कंटेंट दिखाई देता है जो कि 10 to 15 मिनट्स का कंटेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये वाला कंटेंट ओपन करते हैं, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, तो इसके बाद आप लोगों को ये कंटेंट 15 मिनट का कंटेंट होता है, ये आप लोगों को रीड करना होता है। यहाँ पे एक दो वीडियोस भी आप लोगों को मिल सकती हैं, वो आपको देखनी होती हैं। तो एक एक करके आप लोग सारा देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई हैव चेक्ड इट आउट, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है और नेक्स्ट आप लोग को लेट्स कीप गोइंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे एक येलो साइन आ चुका है, इसका मतलब ये आपका ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको ये सारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। इन वीडियो लेक्चर्स में कुछ वीडियो लेक्चर्स में क्यूजेस भी आप लोगों को मिल सकते हैं, तो वो भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट आप लोगों को जब ये मॉड्यूल्स आता है सो व्हाट यू नो, तो इस मॉड्यूल्स पे अभी आई थिंक हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे ये फाइनल क्यूज होता है जो कि 10 मिनट्स का होता है, जिनमें आप लोगों को अराउंड 80% मार्क्स चाहिए होती हैं, 80% और हायर उससे चाहिए होती हैं। बट आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे अटैम्प्ट नहीं कर पाते तो आप जितनी मर्जी बार चाहें आप इस क्यूज को अटेंड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप का आपको बैज मिलता है, अभी मैं सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा सर्टिफिकेट कैसा मिलता है। यहाँ पे IBM वगैरह सब कुछ लिखा होता है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे इस टाइप का आपको जैसे ही ये क्यूज कंप्लीट करते हैं आप लोग बैज मिल जाता है आप लोगों को। अब बताते हैं कि कैसे आपको बैज मिलता है। तो मैंने यहाँ पे पहले वेरीफाई किया आप लोगों के लिए कि आखिर मिलता भी है या फिर ऐसे ही है, तो यहाँ पे मैंने चेक किया, तो एक मैंने ईमेल आईडी से चेक किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 28 मई को मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया था आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को एक्शन का बटन दिखाई देता है, एक्शन में यहाँ पे आ जाता है व्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे व्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों का ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है जो कि ओपन पीटेक की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों की आईडी वगैरह भी दी गई है अकॉर्डिंग टू IBM लर्निंग पैटर्न सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है आप लोगों के सर्टिफिकेट पे। अब आप लोग इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग अपने लैपटॉप कंप्यूटर में सेव एज PDF करके कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आप लोगों को जिससे आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट है या IBM का, यहाँ पे आप सेव एज PDF कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है ये 24 आवर्स के बाद जनरेट होता है, यानी आपको 24 आवर्स का वेट करना है, जैसे आप लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप लोगों का ये सर्टिफिकेट जनरेट होता है। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और भी करनी है, यहाँ पे कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी पे आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों का नहीं होता है सर्टिफिकेट जनरेट तो यहाँ पे लर्निंग सपोर्ट में आप लोग बात कर सकते हैं, तो आप लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट करवा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात हो चुकी है, आपका सर्टिफिकेट तो जनरेट हो चुका है, अब बात करते हैं डिजिटल बैज के बारे में जो कि IBM की तरफ से आप लोगों को मिलने वाला था। तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का डिजिटल बैज कहाँ पे है, कैसे आप लोगों को मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों ने जिस ईमेल आईडी से आप लोग रजिस्टर हुए थे उस ईमेल आईडी को आपको ओपन करना है। तो आप लोग चेक करेंगे यहाँ पे PTech इशूड अ न्यू बैज, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अर्नड अ डिजिटल क्रेडेंशियल फ्रॉम ओपन PTech। यहाँ पे आपका जो बैज है वो आप लोगों की मेल आईडी पर आप लोगों को मिल चुका है। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, अब आप लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट
योर बैज पे क्लिक करना है, ये आप लोग देख सकते हैं IBM का बैज है। एक्सेप्ट योर बैज पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको क्रेडिटली अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक अकाउंट बना लेना है अपना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री वगैरह देके, उसके बाद आप लोग इस जो ये बैज है आपका इसको डाउनलोड कर पाओगे, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर पाओगे, जिसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इस तरीके से आप लोग IBM के कोर्सेज कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे सभी लोगों का फायदा हो। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।